ओहो, 10 बज गई। दीदी क्या बोल रहे हैं? 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। तीन मई तक मैं करूंगी नेटफ्लिक्स एंड चिल। जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। मैं नेटफ्लिक्स लगा के पूरी फ्रेंड सीरीज, सारी गेम ऑफ थ्रोन सब सीरीज खत्म कर। फिर कोई भी पूछेगा ना कि क्या करे जाने, हाँ मैंने ये सीरीज खत्म कर दी, हाँ मैंने वो सीरीज खत्म कर दी, डलगोरा कॉफी बना के पीऊंगी और मैगी एंड ले, दैट्स माय लाइफ बेबी। बड़ा अच्छा प्लान है। तुम्हारी माँ क्या करेगी? मैं तो कभी बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं करती बेटा। झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब मैं करूँ और तुम क्या करोगे यहाँ पे बैठे बैठे मेरी वाला टीवी देखे, है ना? जिंदगी में क्या किया बेटा तुमने? इसी दिन के लिए तुमको बड़ा किया ताकि जब लॉकडाउन हो तुम ये सब करो, हमारे छाती में बैठ के मूंग दलो। तुम एक काम नहीं होता इस लड़की से, एक ये नहीं कि एक बार आज झाड़ू पोछा कर ले तो रोटी बना ले कुछ कर ले, कुछ भी नहीं, बस बैठ दे दो टीवी दे दो रिमोट दे दो फोन दे दो 24 घंटा फोन। इतना तो क्या है बेटा, इंस्टाग्राम में नहीं मैं भी डाउनलोड करूँ ना, क्या होता है ये? आज तो तुम्हारा जीवन ही इंस्टाग्राम ने बर्बाद करके रखा है। हमारा तुमको ये भी डालो कि मैं झाड़ू कर रही हूँ, आज मैं पोछा कर रही हूँ, आज मैं बालकनी साफ कर रही हूँ, कभी मैं वो कर रही हूँ। बच्चों को देखो जो विदेश में जाके फंस गए, उनसे सीखो कुछ, वो झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन खाना पीना सब वहाँ बैठ के कर रहे हैं, वो भी घर में बैठे हैं अपना शांति से और सब काम कर रहे हैं। तुमसे तो यहाँ पे एक पढ़ाई का काम भी नहीं हो रहा है, वो भी तुमसे। तुम बेटा तुम छोड़ दो बेटा, माफी, हम माफी मांगते हैं बेटा तुमसे। नहीं, हम माफी मांगते तुमसे, हमने तुमको पैदा किया हमारे ऐसे औलाद का, माफ। अब उठ वहां से, कितने ढीठ बच्चे, इतना सुनने के बाद भी बेड पे बैठ कैसे सकते हैं तुम? कितने 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 भयंकर ढीठ बच्चे हो तुम यार, कुछ सीखो यार उससे। वो सारा घर का काम कर रहा है, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब, और उसकी मम्मी सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस डालती है और हमको यहाँ व्हाट्सएप पे स्टेटस देखने का भी मौका नहीं मिलता तुम्हारे कारण। मोदी जी ने बेटा लॉकडाउन अनाउंस किया, ठीक है? ये नहीं बोला कि घर पे बैठे बैठे बेड पे सोते रहना है, ये नहीं कि जाके मैं गार्गिल कर लूँ, गले का ध्यान रख लूँ, इम्यूनिटी बढ़ा लूँ, कुछ नहीं। और ये जेब में कपूर वपूर लेके घुमा करो थोड़ा, ताकि कोरोना नहीं पकड़े। अरे वो फेक न्यूज है, ऐसा कोरोना ऐसे नहीं रुकता कपूर वपूर डालने से, ऐसे तो फिर सब कपूर लेके घूम रहे होते, फेक न्यूज है। अच्छा ठीक है, और जाके काम करो घर का,